Let's start. We'll be doing the third and the fourth question today. Okay. So an investor has 1,000 available to invest in two of the assets, A or B. You have been provided with the cumulative 1 year distribution of returns for each asset in this particular worksheet. So we have the returns and we have the CDF for both the asset A and asset B. Okay. So now they have written calculate for each asset over 1 year the expected return, variance of the return, and the downside semi-variance of the return. So firstly, how to calculate the expected return? Can anyone quickly tell me? It's very easy. This part is very easy. We have done variance and semi-variance questions in class, so it is not very difficult for us. What you can also do is you can also make a table. Okay. That is also something that you can do. So if you want, we can get the data from here. Okay, these are the CDFs. So you can calculate the PDF from CDF and then you can obviously calculate the rest of the things. Let's do one thing. Let's take the values from here. This goes up till, okay, 30%. Okay, so I'll just drag this down. Okay, then we have the PDF for asset A. How to calculate the PDF? It's very simple. The first one will obviously be zero. ठीक है, first वाला आप नहीं निकाल सकते हो. I think first वाला भी हम निकाल सकते हैं अगर हम इसको करें. Like what we can do is this. I think minus this will give you the probability of -30% ना, because this is less than equal to -29, this is less than equal to -30. तो आप दोनों को आई गेस नहीं, वो गलत हो जाएगा. B4 -B3, ये दोनों करते हैं. ठीक है, एम आई डूइंग इट करेक्ट और रॉन्ग? आई थिंक दिस माइनस दिस ही करेंगे. ठीक है, सो नाउ यू ऑल कैन जस्ट सिंपली ड्रैग दिस एंड देखो ये आ गए सारे कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज इफ यू वांट, और जस्ट लीव इट इन नंबर्स एज वेल इफ यू वांट. ठीक है, देख लो, यू हैव ऑल द वैल्यूज. ऑब्वियसली लास्ट वाला जो हमारा वैल्यू रहेगा वो 30% के लिए हम नहीं निकाल सकते. सो आइदर यू कैन रिमूव दिस और वी कैन जस्ट लेट्स डू वन थिंग. लेट्स डू वन थिंग. हम लोग ने कंटिन्यूटी करेक्शन सीखा था ना, वी कैन यूज दैट एंड वी कैन डू, बिकॉज यहाँ पे ना ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है. वॉट दे हैव ऑल्सो डन इज दे हैव डन, बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन एंड यू आर डिस्क्रिटाइजिंग इट, तो आप कैसे करोगे? जैसे आप कर रहे हो लेस देन इक्वल टू -30, दिस इज लेस देन इक्वल टू -29. अब हम लोग बीच का देखते हैं, मतलब 29.5, 20, सो इन दोनों के बीच का है 29.5. तो आप जब कर रहे हो लेस देन इक्वल टू 29 एंड आप कर रहे हो लेस देन इक्वल टू 30 एंड आप जब उन दोनों को माइनस कर रहे हो, तो बेसिकली आपका आता क्या है, आपका इक्वल्स टू 30 आएगा, राइट? बट ऑब्वियसली सिंस दिस इज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्क्रिटाइज कर रहे हैं, सो यू कैन नॉट कीप इट एग्जैक्टली 30. यू कैन नॉट कीप इट एग्जैक्टली 29. यू कैन लीव इट लाइक दिस ऑल्सो. आई डोंट थिंक दे विल डिडक्ट मच मार्क्स ओवर हियर, बट आप 29.5 अगर लिखते हो, 28.5
अच्छा सॉरी माइनस होगा, -29.5 आप लिखते हो, एंड लेट्स सपोज आप इसमें बस प्लस 0.5% आप करते जाते हो, और नॉट 0.5 बट 1 करते जाते हो, तो आपका उस तरीके से 30.5 ऑब्वियसली इज नॉट देयर, तो 29.5 आता है. बट इफ यू आर डूइंग 30% -30% से 29% तक, क्योंकि 30% वाला वैल्यू माइनस में आएगा विच इज नॉट पॉसिबल, तो आप वो भी कर सकते हो. आई डोंट थिंक दे विल डिडक्ट द मार्क्स देयर. ओके, नेक्स्ट इज रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय पीडीएफ. दिस वी आर डूइंग फॉर द एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेशंस. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. उसके बाद रिटर्न का स्क्वायर इनटू पीडीएफ. दिस वी आर डूइंग फॉर द वेरिएंस पार्ट. इसका आप स्क्वायर कर दो मल्टीप्लाइड बाय पीडीएफ. दिस विल बी फॉर द वेरिएंस पार्ट, राइट? नथिंग एल्स वी नीड फॉर एसेट ए. सो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज बेसिकली सम ऑफ दिस पूरा थिंग, गिव्स यू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 3%. देख लो, वेरिएंस इज नथिंग बट सम ऑफ दिस माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का स्क्वायर. एंड डाउनसाइड सेमी वेरिएंस कैसे निकालेंगे बताओ? ये हमने किया है. हाँ, मैम, जो मीन के ऊपर का जो रिटर्न है उसको भी उसका पीडीएफ को 0 कर देंगे। मीन के ऊपर का कि मीन के नीचे का? मीन के ऊपर का जो पीडीएफ होगा उसको 0 कर देंगे, और अच्छा, जो मीन के नीचे का पीडीएफ होगा उसको जो पीडीएफ वो देंगे मतलब जो ऊपर वाला फंक्शन यू डाल मीन के दिस है। ना? ठीक है, सो लेट्स डू दिस रिटर्न. हम लोग करते कैसे, कैलकुलेशन कैसे करते हैं? रिटर्न माइनस मीन का स्क्वायर है ना, इनटू प्रोबेबिलिटी. ये हमें चाहिए होता है फॉर डाउनसाइड सेमी वेरिएंस. यस और नो, क्विकली टेल मी. आप सेमी यस वेरिएंस मैम, कैसे निकाल आप वेरिएंस कैसे निकालते हो? रिटर्न माइनस मीन का होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, ऐसे करके निकालते हैं. बट हम लोग यहाँ पे कंडीशन ले लेंगे. सेम क्वेश्चन हमने किया है एक पास पेपर में अभी रिसेंटली, दैट इफ दिस इज लेस देन 3%, इसको एब्सोल्यूट करेंगे, देन ओनली वी विल टेक, ब्रैकेट में डालते हैं, रिटर्न माइनस मीन का होल स्क्वायर एंड अदरवाइज इट्स अ जीरो, एंड यू मल्टीप्लाई इट विद द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, एंड यू जस्ट ड्रैग. जीरोस आएंगे स्टार्टिंग के तो, एंड एंड का भी देखो यहाँ पे आ रहा है, सो यू कैन जस्ट इंक्रीज द डेसिमल्स एंड चेक. एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद जीरो है, बिकॉज उसके बाद हमें नहीं चाहिए, राइट? यू विल डू द सेम थिंग फॉर एसिड बी. आई एम नॉट डूइंग इट, बट आप लोग एसिड बी का करेंगे सेम. कर लो क्विकली एंड टेल मी द आंसर्स ऑफ एसिड बी. अरे ओ सॉरी, कंट्रोल चलो क्विकली टेल मी एसिड बी का क्या आ रहा है.
आंसर्स देख के बताओ मेरे को। हाँ क्विकली। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लॉट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रिटर्न ऑन ईच एसेट ऑन अ चार्ट। तो अब हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, एनुअल रिटर्न ऑन द एक्स एक्सिस एंड उसका हम लोग को पीडीएफ बनाना है, विच इज दिस रिटर्न एंड उसका ये वाला पीडीएफ। ठीक है, सिंपल, क्विकली डू इट। ऑब्वियसली वील अगेन एड, कल जैसे मैंने बोला था ना, आई यूजली मेक अ स्कैटर प्लॉट, आप लोग ऑब्वियसली शीट टू में करोगे, बट आई एम डूइंग इट हियर इटसेल्फ। लेट्स जस्ट डू दिस। इधर पे मैं लिख देती हूँ एसेट ए, तो क्या होगा कि लेबलिंग सही से आ जाएगा एसेट बी। ठीक है, यू कैन एडजस्ट योर चार्ट्स इफ यू वांट, लाइक इफ यू वांट दिस टू नॉट स्टार्ट एट जीरो, बट इस पे करना होगा। ऑल राइट, आर यू ऑल गेटिंग दिस? जस्ट मेक श्योर यू राइट द एक्स एक्सिस, लेबल द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, टाइटल प्रॉपरली। जस्ट प्लीज मेक श्योर यू डू दैट। सो बी का इज समवॉट नेगेटिवली स्क्यूड एंड एसेट ए का वी कैन से इट्स लाइक अ बेल शेप्ड, मीन इज समवेयर अराउंड दिस एंड दैट इज वॉट यू कैन सी अराउंड 3%। ठीक है, एंड दैट इज वाई द वेरियंस ऑफ एसिड बी इज मोर, बिकॉज वी कैन सी अ स्क्यूनेस ओवर हियर, तो काफी स्क्यूड भी है एंड उसका डाउन साइड सेमी वेरियंस इज वेरी ह्यूज, बिकॉज वी कैन सी नेगेटिवली स्क्यूड है ना, तो ऑब्वियसली डाउन साइड सेमी वेरियंस ज्यादा होगा इसका। ठीक है, नाउ दैट इज वॉट दे आर सेइंग, एक्सप्लेन हाउ यू कुड हैव डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन ईच एसेट यूज इन यू यूजिंग ओनली योर चार्ट एंड नो फर्दर कैलकुलेशन। सो एज आई मेन्शन, जैसे कि एसेट बी का क्या लग रहा है, एसेट बी इज स्पीकिंग आउट यहाँ पे, विच इज समवेयर अराउंड योर सी 14, मतलब एकदम राइट साइड में उसका पीक है ना? तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे पीक है तो वी एक्सपेक्ट कि इससे आपको रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे, दैट इज व्हाट वी कैन सी द रिटर्न्स फ्रॉम एसेट बी इज मोर, वेराज एसेट ए का जो पीक है वो लेफ्ट में है एंड दैट इज व्हाई वी यू गेट अ लोएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर दैट। एसेट ए का द स्प्रेड इज वेरी नैरो एंड यहाँ पे एसेट बी का द स्प्रेड इज वेरी ह्यूज, तो सिंस एसेट ए का स्प्रेड इज सो नैरो वी कैन से दैट द वेरियंस इज लोअर। ठीक है, एंड इसका बहुत स्प्रेड बहुत ज्यादा है अगर आप ऑरेंज वाले का देखो। ऑल्सो अगर ऑरेंज वाले का देखे तो इट्स अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इट हैज अ वेरी लॉन्ग लेफ्ट टेल, विच अगेन मीन्स कि उसका डाउन साइड सेमी वेरियंस ज्यादा होगा। बस ये समझाना है आपको। एंड नेक्स्ट दे आर सेइंग सजेस्ट विथ रीजंस व्हाट द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मे बी।
ये हम कैसे बताएंगे बताओ? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? यस बोथ दीज एसेट्स आर रिस्की ना, ये भी रिस्की है ये भी रिस्की, क्योंकि वेरिएंस इन दोनों का ही जीरो नहीं है। सो एसेट ए इज अ रिस्की एसेट जिसका आपका रिटर्न इज 3% एंड वेरिएंस दैट यू आर गेटिंग इज 0.25। एंड एसेट बी इज ऑल्सो रिस्की एसेट। तो आइडियली मार्केट में रिस्क फ्री रिटर्न कहाँ, कौन से रीजन में लाई करना चाहिए? शुड इट बी लेस देन 3%, बिटवीन 3 एंड 8.75, और अबव 8.57, 59? ये 3%। वेरी गुड, इट शुड बी लेस देन 3%, बिकॉज इफ दिस इज अ रिस्की एसेट जिसका वेरियंस ऑब्वियसली जीरो नहीं है, तो देयर नीड्स टू बी अ रिस्क फ्री एसेट विच इज लेस देन 3% उसका रिटर्न होगा। क्लियर है? और अगर हम डिफरेंट, अब इन लोगों को ना एक रेंज बताना है कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिस्क फ्री रिटर्न हो सकता है, ठीक है? 0 से 3% के बीच में होगा ये हमें पता है, बट क्या रेंज? इट समवेयर ऑन 1%, 2%, 0-1 के बीच में, 1-2 के बीच में, 2-3 के बीच में क्या होगा? सो एज यू कैन सी कि आपका रिटर्न जब 3 से 8.5 गया, ठीक है, आपका वेरियंस भी बहुत हाई, बहुत चेंज हुआ, 0.25 से 0.97 हो गया, करेक्ट? सो प्रोबेबली अगर हम थोड़ा यूनिटरी मेथड लीनियर इंटरपोलेशन लगा के भी देखें, तो आपका समवेयर अराउंड कहाँ होना चाहिए ये वाला बताओ? 1 से 2 के कि 2 से 3 के बीच में? अगर आप परसेंटेज भी निकाल के देखोगे तो आपको 0% चाहिए वेरियंस। हो सकता है समवेयर अराउंड 2 to 3%, बट अगेन अगर आप लोग श्योर नहीं हो, आप सिंपली बोलोगे इट शुड बी लेस देन 3%, एंड ऑब्वियसली फॉर एक्यूरेटली स्टेटिंग द रिस्क फ्री रिटर्न वी नीड मोर डेटा, राइट? वी कैन नॉट टेल इट ओनली ऑन दिस डेटा, वॉट एवर वी आर गिवन विथ, इस डेटा के बेसिस पे हम नहीं बता सकते, ठीक है? इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई फील इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर अ यूरोपियन पुट ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस 20, पुट ऑप्शन है, टर्म 5 ईयर्स, अंडरलाइंग शेयर अभी करंटली प्राइस्ड एट 25, वोलेटिलिटी इज 20%, द कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रेट इज 2%, कैलकुलेट यूजिंग द ब्लैक स्कोल्स मॉडल फॉर द ऑप्शन एट टाइम जीरो। तो हम लोग को ब्लैक स्कोल्स यूज करके ऑप्शन का प्राइस निकालना, वैल्यू ऑफ द ऑप्शन निकालना है, डेल्टा थीटा रो सब निकालना है एट टाइम जीरो। सो दे ऑलवेज ऑलवेज गिव अस दिस ब्लैक स्कोल्स कैलकुलेटर यहाँ पे, ठीक है? एंड अगर हम आ जाएं शीट 3 में तो कोई, सॉरी शीट 4 पे तो कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे दे हैव जस्ट रिटन दिस, तो कैसे निकालेंगे बताओ? पहले तो पूरा कैलकुलेटर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा, है ना? लेट्स डू वन थिंग, लेट्स इंसर्ट फ्यू रोज उसके ऊपर में। एंड कॉपी पेस्ट दिस एंटायर थिंग। ओके, तो आपको शेयर प्राइस दिया हुआ है 25, स्ट्राइक प्राइस इज 20, मेच्योरिटी इज 5 ईयर्स, रिस्क फ्री रेट इज 20%, आई 2% सॉरी, एंड वोलेटिलिटी इज 20। तो ये आ गया सारा कैलकुलेशंस। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वैल्यू ऑफ
कट ऑप्शन। तो लेट्स जस्ट, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। डेल्टा कैसे निकालते हैं बताना। एन डी का माइनस सी, एन क्या फिर से बोलो, कॉल ऑप्शन आप हटा सकते हो, डी वन माइनस वन। आपको रखना है, आप रख भी सकते हो, यू कैन ऑल्सो रिमूव इट। फिर से बोलो हितेश। कैपिटल एन डी वन माइनस वन। नहीं समझ में आया मेरे को, तुम क्या बोला? कैपिटल एन डी वन माइनस वन, फाइव माइनस डी वन वन माइनस वन, फाइव डी वन माइनस वन होता है क्या? डेल्टा ऑफ पुट ऑप्शन, हाँ एक बार मैम। बताओ। ठीक है, थीटा एंड ऑब्वियसली डेल्टा नेगेटिव होता है पुट ऑप्शन के लिए, क्योंकि शेयर प्राइस बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन विल फॉल। थीटा कैसे निकालेंगे? बोलो थीटा कैसे निकालेंगे? सो इसको निकालने का ना अगेन फॉर्मूला इज व्हाट? थीटा के लिए यू से चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉल पुट ऑप्शन बाय चेंज इन टाइम, बट यहाँ पे ऑब्वियसली आप कैसे चेंज करोगे? सो आइडियली व्हाट वी कैन आल्सो डू इज वी कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दीज पार्ट्स। ओ नॉट दिस बट जस्ट दिस पार्ट। एंड व्हाट वी कैन डू एंड वॉट वी कैन डू इज जहां जहां जो हमें चाहिए हम खाली उसको चेंज करते हैं। सो लेट्स से सपोज इफ आई से कि मुझे चाहिए थी, ये हमें एक बार हटा रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स से सपोज मुझे चाहिए आपका वैल्यू ऑफ डेल्टा विच इज चेंज इन द प्राइस ऑफ द पुट ऑप्शन बाय चेंज इन द वैल्यू ऑफ द शेयर प्राइस। सो इफ आई चेंज द शेयर प्राइस फ्रॉम 25 टू 26 लेट्स सपोज, एंड उसके बाद अगर मैं चेंज का वो निकालूं तो क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द शेयर प्राइस, चेंज इन द वैल्यू ऑफ द शेयर प्राइस। देख लो, दैट्स हाउ दिस इज आल्सो वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा ना, आप थीटा कैसे निकालोगे और आप रो कैसे निकालोगे ये बताओ। आप थीटा और रो तो निकाल ही नहीं सकते, राइट? अगेन सेम थिंग वील डू फॉर थीटा। व्हाट वील डू, वील चेंज द टाइम, 5 से 6 कर दो या 5 से 4 कर दो, वट एवर, यूजली इंक्रीज ही होता है। एंड देन अगेन यू डू दिस माइनस द प्राइस ऑफ पुट डिवाइडेड बाय चेंज इन योर टाइम। दिस इज योर थीटा विच इज ऑब्वियसली ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगेन रो के लिए चेंज इन द रिस्क फ्री रेट, सो इसको भी अब हम 3% कर देंगे, इसका भी हमेशा इम्पैक्ट। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा पुट ऑप्शन पे? नेगेटिव की पॉजिटिव, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। पुट ऑप्शन इज द राइट टू सर व्हाट? सेल द शेयर। आपके पास अभी शेयर है, कैश नहीं है, तो अगर रिस्क फ्री रेट बढ़ेगा तो आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, द प्राइस विल फॉल ऑफ द पुट ऑप्शन, है ना? सो दिस माइनस सी इट गिव्स यू अगेन -25.7573। दैट्स हाउ, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, बिकॉज और कोई तरीका नहीं है। आप डेल्टा फिर भी निकाल सकते हो, एंड व्हाट वी गॉट -0.17 इज क्लोज टू दिस, बट अगेन दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन, राइट? एट टाइम टी इक्वल्स टू वन
The share price has fallen to 15 and has continuously compounded risk-free rate of increased to 5%. Estimate your values from part one, the new using the values in part one, the new value of the option. So using the answers here, मतलब अब आपके पास value of option है, आपके पास 5 साल का एक्सपायरी था ना, 5 साल का एक्सपायरी है, 1 साल के बाद क्या इम्पैक्ट आएगा वो बोल रहा है. तो आपके पास वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन है, डेल्टा है, थीटा है, रो है. अब उससे नया ऑप्शन का प्राइस 1 साल के बाद कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है, बताओ कैसे निकलेगा. आप लोगों ने किया है ये इक्वेशन. चेंजिंग शेयर प्राइस इंटू डेल्टा प्लस चेंजिंग टाइम इंटू पुटर प्लस एक चेंजिंग सेकेंड, इंटरेस्ट रेट इंटू रो करके चेंजिंग और ऑप्शन का प्राइस आ गया है। जोर से बोलो, उनको आवाज नहीं आ रहा. एक्चुअली फिर से बोल एक बार. चेंज इन शेयर प्राइस चेंजिंग इंटू डेल्टा शेयर ना, प्राइस इन इंटू हाँ डेल्टा, वैसे करेक्ट. चेंज इन टाइम इनटू थीटा प्लस चेंज इन इंटरेस्ट रेट इनटू रो तो चेंज इन पुट ऑप्शन आ जाएगा और फिर उसको ऐड कर देंगे जो पहले जो आया था। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड. तो शीट टू में लेट मी इंसर्ट फ्यू थिंग्स. तो आपका वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज दिस, ठीक है. आपका डेल्टा का इम्पैक्ट है, आपका थीटा, का इम्पैक्ट है, एंड आपका रो का इम्पैक्ट है. तो डेल्टा का इम्पैक्ट कैसे निकालेंगे? डेल्टा इनटू, अभी शेयर प्राइस था 25, अब हो गया 15. सो इट्स अ फॉल, इट्स अ फॉल. तो आपको -10 करके मल्टीप्लाई करना होगा, नॉट जस्ट 10. आप बाद में भी माइनस कर सकते हो, ठीक है, बट सिंस यू आर ऑलरेडी टेकिंग द इम्पैक्ट, सो व्हाई नॉट टेक इट दिस वे. थीटा का 1 होगा चेंजेस, सो थीटा इनटू 1. एंड रो में कितना है? पहले था 2%, 3% का 3% का है, सो यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस विथ 3%. सो दिस इज हाउ यू गेट, एंड यू जस्ट एड ऑल टू गेट द न्यू वैल्यू ऑफ ठीक है. थीटा, थीटा का क्या बोल रहे, देखो एक बार. अच्छा, थीटा का कैसे करेंगे? मुझे लग रहा है कि हमने कुछ गलत किया थीटा का. कैन यू टेल मी व्हाई? बिकॉज थीटा इज द टाइम टू एक्सपायरी, टाइम टू एक्सपायरी 1 साल से कम हुआ है, सो यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस विथ -1. अब सही आएगा. थीटा इज द टाइम टू एक्सपायरी, तो यहां हमने थीटा टाइम टू एक्सपायरी इंक्रीज किया था, तो हमारा थीटा पॉजिटिव था. बट अगर आप टाइम टू एक्सपायरी 5 to 4 करोगे तो नेगेटिव, मतलब कम आएगा. आप -1 कर रहे हो ना, गॉट द पॉइंट? कैलकुलेट यूजिंग ब्लैक स्कोल्स द न्यू वैल्यू ऑफ द ऑप्शन. सो ये सेम मेथड, मतलब सेम चीज करना है बट नाउ यूजिंग अ ब्लैक स्कोल्स. तो अगेन आई डू वन थिंग, आई टेक दिस, मतलब सेम चीज ही है, जस्ट अब हमें ब्लैक स्कूल यूज करके करना है इंस्टेड ऑफ जो मेथड अभी हमने किया, ठीक है ना. सो यू कैन रिमूव दिस इफ यू वॉन्ट. एंड शेयर प्राइस हो गया है 15, मेच्योरिटी अब हो गया है 4 years, रिस्क फ्री इज नाउ 5%. Everything else is same, and this is the so according to us, the answer is 1.9, and according to BS method, it is 3.23. ठीक है.
Can you quickly tell me, next part is comment on the difference. We can see a huge difference. Like this is 1.9 and this is 3.2. Can you tell me why? Because हम लोग जो ग्रीक्स लेते हैं डेल्टा थीटा, दीज आर फॉर स्मॉल चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ योर टाइम एंड इंटरेस्ट रेट. वट विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन. बट यहाँ वी आर टेकिंग ही ह्यूज चेंजेस, लाइक 10 का चेंज इन शेयर प्राइस, 3 का चेंज इन योर इंटरेस्ट रेट. सो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट द डायरेक्ट आंसर, राइट? और कोई रीजन है? और क्या एक रीजन बोल सकते हैं? कितने मार्क्स का? देखो 5 मार्क्स का है ना, तो एक और रीजन क्या दे सकते हैं बताना. ग्रीक्स अज्यूम अ लीनियर, ये एक एक रीजन हुआ एंड यू विल एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. दूसरा रीजन आप ये बोल सकते हो कि जब हम ग्रीक्स यूज करते हैं तो ग्रीक्स में एक लीनियर इम्पैक्ट हमें दिखता है. व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इम्पैक्ट? कि 1% का चेंज अगर इसमें है तो इसमें आप लीनियर इम्पैक्ट कैसे बोल सकते हो? क्योंकि आप जब ग्रीक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो आप ग्रीक्स देखो ना, ऐसे लीनियरली तो कैलकुलेट कर रहे हो ना, डिफरेंस बिटवीन पुट ऑप्शन का वैल्यू एंड डिफरेंस बिटवीन द मेच्योरिटी. सो इट्स लाइक लीनियर मेथड से हम कैलकुलेट करें तो ग्रीक्स का इम्पैक्ट इज लीनियर. बट हम जब बीएस मेथड यूज करें दैट इज नॉट लीनियर ऑलवेज. माई कैमरा, जस्ट वेट अ सेकेंड, आई डोंट नो वाई द कैमरा इज नॉट वर्किंग. ठीक है, नेवर माइंड. तो ये है. एंड दूसरा रीजन आप क्या बोल सकते हो कि ये थर्ड रीजन आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे जो वो पूरा इक्वेशन होता था उसमें गामा होता था, वेगा होता था, वो कंसिडर हम लोग नहीं कर रहे. ठीक है, तो वो भी आप बोल सकते हो, वी आर नॉट कंसिडरिंग चेंज. क्योंकि चलो वो लैटिलिटी तो चेंज हुआ भी नहीं है, बट हम गामा कंसिडर नहीं कर रहे, विच इज द सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट ऑफ शेयर प्राइस, चेंज ऑफ शेयर प्राइस. ठीक है, तो ये हो गया. लास्ट में सजेस्ट हाउ मैम एन हम लोग इन्वेस्ट. उसको ऐसे हाँ भी तो बोल सकते हैं, जैसे कि शेयर प्राइस चेंज होता है तो उसके साथ साथ डेल्टा भी चेंज होता है, इसलिए गामा इनकॉर्पोरेट होने के लिए मैं तो इसलिए नहीं समझ में. गामा तुम नहीं लिया, तुमको गामा लेना चाहिए था, पर मतलब हाँ वही, जैसे कि शेयर प्राइस के साथ साथ डेल्टा भी तो चेंज होता है ना हम लोग का, इसी का गामा लेना चाहिए था लेकिन इसमें नहीं लिया। करेक्ट करेक्ट. हाँ, ये भी बोल सकते हैं तुम. सेम थिंग है. ठीक है. सजेस्ट हाउ एन इन्वेस्टर होल्डिंग द पुट ऑप्शन कुड हेज देयर एक्सपोजर टू मूवमेंट्स इन द अंडरलाइंग शेयर प्राइस. तो अगर मेरे पास पुट ऑप्शन है, हाउ विल आई हेज? नेगेटिव डेल्टा है इसका. यूरोपियन पुट ऑप्शन है, ठीक है, एंड उसके बाद वो लोग क्या बोल रहे हैं हम लोग को? हाँ लास्ट वाला पार्ट में डाउट है क्या? सजेस्ट ऑन इन्वेस्टर होल्डिंग द पुट ऑप्शन कुड हेज देयर एक्सपोजर टू मूवमेंट्स इन द अंडरलाइन। हाँ बोलो, उसमें क्या डाउट हो रहा है? हमारा -1.16 एक पुट ऑप्शन है, उसको हमें डेल्टा हेज पोर्टफोलियो बनाना है. नहीं, पुट का डेल्टा निकाल चुके हैं क्या हम लोग? हाँ, पुट का डेल्टा पुट का निकाल डेल्टा चुके. कितना आ रहा है? माइनस, पुट का डेल्टा -0.161. -0.161 है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग 0.161 शेयर अगर सेल करेंगे तो दोनों का डेल्टा सेम हो जाएगा, बिकॉज शेयर का डेल्टा 1 होता है। ठीक है, पहले देखो कि रेप्लिकेटिंग कैसे बनेगा। रेप्लिकेटिंग बनेगा जब हम लोग तुम्हारा पुट का जो डेल्टा है वो माइनस में आता है, शेयर का डेल्टा 1 है। ठीक है, और हम लोग को यहां पर बोला है होल्डिंग द पुट ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले पुट खरीदें कि बेचें, पहले हमको ये बताओ। पुट पुट में लॉन्ग पोजीशन लॉन्ग है. है ना? पुट लॉन्ग है मतलब क्या? नीचे जाने से पैसा आना चाहिए, राइट? तो तुम शेयर सेल करोगी तो फिर तुम्हारा रेप्लिकेटिंग बनेगा इस केस में, शेयर सेल करने से। ठीक है, अगर मान लो मैंने 50 में शेयर बेचा है और अगर शेयर का दाम 40 हो गया
तो मतलब मैं 40 में फिर खरीदूंगा, मतलब मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये पहले टेंडेंसी समझो कि नीचे जाने से पैसा आना चाहिए। तो नीचे जाने से पैसा कब आएगा? जब हम लोग शेयर सेल करेंगे, तो दैट इज द रेप्लिकेटिंग। अब हम लोग को यहां पर बोला है हेज करना है, तो हेज करने का मतलब क्या है? उल्टा करेंगे, मतलब शेयर बाय करेंगे। ठीक है, क्या लिखा आंसर में इन्होंने? आंसर में क्या लिखा है बताओ? आंसर में लिखा है द इन्वेस्टर वुड नीड अनदर एसेट्स विद अ नॉन जीरो डेल्टा, अ शॉर्ट पोजीशन इन द अंडरलाइंग शेयर वुड वर्क डेल्टा माइनस शॉर्ट पोजीशन इन द अंडरलाइंग शेयर। मतलब वो लोग रेप्लिकेटिंग बनाने का ट्राई किया है। वो लोग का आंसर हमेशा कंफ्यूजिंग रहेगा, मतलब वो लोग रेप्लिकेटिंग और हेजिंग में हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं। बट हम लोग को पूरा प्रॉपरली लिखना पड़ेगा कि पुट का डेल्टा है -0.161 ना, -0.161। इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग अगर हम लोग 0.161 शेयर सेल करेंगे तो मेरा रेप्लिकेटिंग बन जाएगा। ठीक है, 0.161 अगर हम लोग सेल करेंगे तो मेरा रेप्लिकेटिंग बन जाएगा। एंड अगर इसका उल्टा करेंगे, मतलब सेल का अगर उल्टा मतलब बाय, अगर 0.161 हम लोग बाय करेंगे तो फिर हम लोग का हेजिंग बन जाएगा, माने कट जाएगा, जो इससे आएगा वो उसमें चला जाएगा। और वैसे भी अगर हम लोग पुट कॉल पैरिटी से भी अगर देखेंगे, तो पुट कॉल पैरिटी से तुम्हारा क्या आता है? पुट कॉल पैरिटी से आएगा कॉल प्लस कैश इज पुट प्लस शेयर। तो पुट एक तरफ रह गया, तो कॉल प्लस कैश माइनस शेयर। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको हम लोग वो कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। बट यहां पर सिंस लोग खाली शेयर का बोला है, तो शेयर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो किसी को कोई भी दिक्कत? हाँ बोलो। तो ये लोग शॉर्ट पोजीशन फॉर 0.161 शेयर्स बोला है, अगर लॉन्ग पोजीशन है तो -0.161 शेयर्स है, बस ये डिफरेंस है क्या? तुम समझी नहीं मेरे बात को, मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर पुट का डेल्टा है -0.161, ठीक है, तो शेयर का डेल्टा 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को शेयर सेल करना पड़ेगा -0.161 डेल्टा करने के लिए, मेरे को 0.161 शेयर सेल करना पड़ेगा। सो अगर मैं 0.161 शेयर सेल करता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो होगा वो रेप्लिकेटिंग बन जाएगा। ये लिख देना कि व्हेन वी सेल 0.161 शेयर्स, देन दैट इज रेप्लिकेटिंग, एंड इफ वी बाय 0.161 देन दैट इज हेजिंग। और जो बैलेंस जो होगा वो तुम्हारा कैश में एडजस्ट हो जाएगा। मतलब बाइनोमियल में भी हम लोग ऐसे ही किए हैं ना, लाइक शेयर्स एंड कैश से करके हम लोग किए हैं। कॉल पुट का जो है पे ऑफ मैच करते थे ना, ऊपर जाने से भी पे ऑफ मैच होगा, नीचे जाने से भी पे ऑफ मैच होगा। राइट, ओके। तो यहाँ पर लिखा वी हैड लॉन्ग पोजीशन इन पुट ऑप्शन, देन बाय लॉन्ग पोजीशन ऑन शेयर्स। लॉन्ग पोजीशन ऑन शेयर्स इसलिए हो रहा है बिकॉज हम लोग को हेज करना है। हेज करने का मतलब जितना पुट ऑप्शन में जाएगा उतना उससे आना चाहिए, या फिर जितना उसमें आएगा उतना उससे जाना चाहिए। हेज मतलब ऑपोजिट होना चाहिए, तो इसलिए शेयर बाय करेंगे। हितेश ठीक है? हितेश? हाँ सर। और कोई? अर्थ, पुनीत, क्लियर है ला? ठीक है ना, हमेशा पहले ये लोग का छोड़ दो, हमेशा पहले तुम लोग को सेम करना पड़ेगा, रेप्लिकेटिंग करना पड़ेगा। रेप्लिकेटिंग करने से बहुत सिंपल है, ये अगर मान लो बोलता पुट सेल किया है, तो नीचे जाने से डिफरेंस जा रहा है, नीचे जाने से डिफरेंस जा रहा है, मतलब शेयर बाय, पुट सेल और शेयर बाय। ठीक है ना, पुट सेल है तो पुट का डेल्टा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो शेयर बाय करने से रेप्लिकेटिंग बनेगा और सेल सेल करने से हेजिंग बनेगा। बहुत सिंपल है ला। ठीक है, ठीक है, सो लेट्स डू इट टिल हियर फॉर टुडे एंड नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पेपर। ऑलराइट, कोई डाउट है और? ठीक है, थैंक यू।